हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्राइव डॉन। और दोस्तों, टोयोटा ने अपनी बेस्ट सेलिंग एमपीवी इनोवा क्रिस्टा का एक नया एडिशन लॉन्च किया है, जिसको नाम दिया गया है लीडरशिप एडिशन का। इसका प्राइस 21 लाख रुपीस रखा गया है, जो कि एक शोरूम फिगर है। और टोयोटा ने इनोवा के इस नए एडिशन को लॉन्च किया है इंडिया में इनोवा के 15 साल पूरे होने को सेलिब्रेट करते हुए। इस नए लीडरशिप एडिशन में आपको इसके फीचर्स के साथ साथ इसके एक्सटीरियर और इसके इंटीरियर में कुछ नए अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का लीडरशिप एडिशन जो है, ये बेस्ड होगा इसके मिड लेवल VX ट्रिम पर, और ये आपको BS6 कंपैटिबल डीजल इंजन के साथ भी अवेलेबल करवाया गया है। और बात करें इसके नए फीचर्स की, तो उसके फ्रंट में आप नोटिस करेंगे क्रोम गार्निश और लीडरशिप बैजेस भी आपको इस कार में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स भी नए ब्लैक्ड आउट 17 इंच के देखने को मिलेंगे, और इसमें रियर स्पॉइलर, साइड स्कर्ट्स और डुअल टोन कलर ऑप्शन जैसी चीजें हैं, जो कि आपको इसके एक्सटीरियर में देखने को मिलेंगी। डुअल टोन कलर ऑप्शन में आपको दो यहां पर कलर्स दिए गए हैं, जो कि रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और व्हाइट पर्ल क्रिस्टल का ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन। इसके बाद गाड़ी के अंदर कैबिन में भी आपको नया ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आप इसके डैशबोर्ड और हेडलाइनर पर नोटिस करेंगे। इसके साथ इसके अंदर आपको नई अपहोल्स्ट्री और 360 डिग्री कैमरा, ऑटो फोल्डिंग आउटर रियर व्यू मिरर्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन, पेडल लैंप्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात की जाए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा लीडरशिप एडिशन के इंजन पावर की, तो इसके अंदर आपको 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो कि 148 bhp की पावर और 343 nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। ये इंजन आपको 5-speed manual gearbox के साथ मिलेगा, और इसके अंदर इको एंड पावर मोड जैसे दो ड्राइविंग मोड आपको मिलेंगे। और सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से भी इसके अंदर आपको एयरबैग्स, ABS विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, 360 डिग्री व्यू मॉनिटर जैसे काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस बजट में एक 7-seater कार सर्च कर रहे हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इसके अलावा भी अगर आप इस गाड़ी के बारे में कोई जानकारी चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना याद रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं या फिर आप ड्राइव करते हैं, तो सीट बेल्ट का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए ड्राइव डाउन के साथ, हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप ड्राइविंग।